प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वाराणसी में अपना नामांकन किया और उसके अलावा तमाम कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। लेकिन इसी बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कभी आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर चुके कॉमेडियन श्याम रंगीला ने जिला प्रशासन पर बड़ा आरोप लगाया है। दरअसल राजस्थान से चलकर वो वाराणसी पहुंचे थे नामांकन करने के लिए। उन्होंने अपने पेपर वकीलों के साथ मिलकर तैयार करा लिए थे, लेकिन उन्होंने आरोप लगाया है कि वो सोमवार से कलेक्ट्रेट में नामांकन करने जा रहे हैं, लेकिन सोमवार और मंगलवार दोनों दिन बीत गए लेकिन वो नामांकन नहीं कर पाए, उन्हें नामांकन नहीं करने दिया गया। मंगलवार को भी यही हाल रहा। इससे नाराज होकर उन्होंने मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पास अपनी शिकायत भेजी है। शिकायत में कहा गया है कि जानबूझकर लोगों का नामांकन फॉर्म ही नहीं दिया जा रहा है, जिनको फॉर्म दिया गया उनको नामांकन से रोका जा रहा है। आयोग से मांग है कि इस मामले में हस्तक्षेप करे ताकि इच्छुक उम्मीदवार अपने नामांकन कर सके। आपको बता दें कि यूपी की वाराणसी लोकसभा सीट पर उम्मीदवारी के लिए प्रत्याशियों की लंबी खासी भीड़, लेकिन उन्हें नामांकन पत्र दाखिल करने का मौका नहीं मिल रहा। प्रशासन पर उम्मीदवारों को नामांकन फॉर्म दाखिल करने से रोकने के भी आरोप लगाए जा रहे हैं। शाम को भी श्याम रंगीला ने ऐसे ही बयान दिए थे और कहा था कि उन्हें नामांकन करने से रोकने की साजिश की जा रही है। कई अधिकारी इस बात को कहते हैं कि मैं 5 मिनट में नामांकन करा दूंगा, लेकिन नामांकन नहीं हुए। प्रत्याशियों को जिला निर्वाचन कार्यालय पर जब वो लोग पहुंचे तो उन्हें रोक दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरने के लिए राजस्थान से मिमिक्री आर्टिस्ट श्याम रंगीला भी कई दिनों से वाराणसी पहुंचे और वाराणसी में वो रुके हुए हैं। चुनावी मैदान में उतरने की कोशिश लगातार उन्होंने की, लेकिन अंतिम दिन बीत जाने के बाद भी वो नामांकन नहीं कर पाए। हालांकि उन्हें अब तक उम्मीदवारी पेश करने का कोई मौका नहीं मिल पाया। श्याम रंगीला ने प्रशासन पर नामांकन रोकने का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग से शिकायत की है। श्याम रंगीला का ये कहना कि प्रशासन की ओर से नामांकन भरने नहीं दिया जा रहा। वाराणसी कलेक्ट्रेट पहुंचे श्याम रंगीला ने मीडिया से बातचीत करते हुए आरोप लगाया कि हमारा ही नहीं बल्कि किसी को भी नामांकन करने नहीं दिया जा रहा है। एक दिन पहले उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा था कि उन्हें नियमों का हवाला देकर नामांकन फॉर्म ही नहीं दिया गया। श्याम रंगीला ने बाद में सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करते हुए कहा कि मैंने नामांकन पत्र हासिल करने की कोशिश की, लोगों को रोते हुए देखा, उन्हें फॉर्म ही नहीं दिया जा रहा। अधिकारी हमसे कह रहे हैं कि आप बात को समझिए, हम बात समझ रहे हैं कि हम क्यों फॉर्म नहीं लेने दिया जा रहा। श्याम रंगीला नामांकन दाखिल करने के लिए आखिरी दिन भी यानी आज सुबह 9:15 बजे से वाराणसी जिला निर्वाचन कार्यालय पहुंच गए। कई बार निर्वाचन कार्यालय की तरफ से नामांकन दाखिल करने की कोशिश की गई लेकिन सफल नहीं हो सकी। श्याम रंगीला ने वीडियो जारी करके कहा कि प्रशासन की ओर से कोई जवाब नहीं आ रहा है। बकायदा उन्होंने एक अपनी फ़ोन की डायल की लिस्ट भी डाली। उन्होंने आगे लिखा कि नामांकन की उम्मीद हमने नहीं छोड़ी है। उन्होंने कहा कि मेरा नामांकन आप ले लीजिए, बाद में रद्द कर दीजिएगा, हमारी गुजारिश नहीं सुनी जा रही। यानी श्याम रंगीला शाम तक डटे रहने यानी शाम 3 बजे तक उन्हें नामांकन करने का मौका नहीं मिला। इसके बाद उन्होंने चुनाव आयोग में शिकायत की है। अब देखना है कि चुनाव आयोग इस पर कोई कार्रवाई करता है या फिर श्याम रंगीला को खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ श्याम रंगीला ने जिस तरह की वीडियो शेयर की है उसके बाद उन्हें ट्विटर पर खूब समर्थन मिल रहा है। लोग उन्हें ट्रेंड कर रहे हैं और लगातार उनका समर्थन करते हुए कह रहे हैं कि देश में शायद लोकतंत्र का गला दबाया जा रहा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।